सभी का विशेष रूप से मंच पर विराजमान माननीय प्रधानमंत्री जी एवं अन्य गणमान्यों का आज के इस खास समारोह में मैं मानसी हार्दिक स्वागत करती हूँ। समारोह का आरंभ राज्य गीत से होगा, सभी उसके सम्मान में खड़े हो जाएं। सह्याद्रीचा सिंहगर्जत शिवशम्भुराजा छातीवरी कोरली अभिमानाची लेणी ओलादी मन गटे खेळती खेळ जीव घेणी दारिद्र्याचा उन्हा तशी जाणा निधळाच्या घामाने भिजला देश गौरवासाठी झिजला दिल्लीचे ही दस्तगानी जय महाराष्ट्र, जय जय। और अब शॉल पेटा तथा पुष्प देकर भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी तथा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी एवं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री अजित पवार जी। कृपया सम्मान के प्रतीक इसका स्वीकार करें। और अब राम मंदिर की प्रतिकृति का स्वीकार करने की विनती मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से करती हूं। धन्यवाद। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री अजीत पवार जी से मैं स्वागत संबोधन हेतु अनुरोध करती हूं। अपने भारत देशाचे लोकप्रिय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब, राज्यपाल रमेश भाईस जी, एकनाथराव शिंदे मुख्यमंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील सर्व उपस्थित असणारे मान्यवर, तसंच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, राज्याच्या मंत्रिमंडळातील उपस्थित असणारे सर्व मान्यवर, लोकसभेचे आणि विधानसभेचे उपस्थित असणारे सर्व सन्माननीय सदस्य, तसंच सुनील तटकरे जी, चंद्रशेखर बावनकुळे जी, आजच्या कार्यक्रमाला नव्या मुंबईतनं, कोकणातनं, रायगड जिल्ह्यातनं, महाराष्ट्रातनं मोठ्या संख्येने आलेले सर्व बंधू भगिनी पत्रकार मित्र आणि माझ्या तरुण मित्रांनो, ज्या प्रचंड संख्येने आज आपण मोदी साहेबांचं स्वागत केलं त्याबद्दल मी आपल्याला मनापासून धन्यवाद देतो, आपले मनापासून आभार मानतो। आज का दिन देश और महाराष्ट्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। आज युगपुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज को स्वराज्य की प्रेरणा देने वाली हमारी राजमाता जिजाबाई की जयंती है और आज के ही दिन
स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, मैं दोनों को नमन करता हूँ। राजमाता जिजाबाई ने छत्रपति शिवाजी महाराज को न सिर्फ स्वराज्य की प्रेरणा दी बल्कि उन्हें अच्छे संस्कार दिए और इन्हीं संस्कार और मार्गदर्शन से छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान राजा और लोगों के स्वराज्य का निर्माण हुआ। आज राजमाता जिजाबाई के जन्म जयंती के अवसर पर नारी सशक्तिकरण अभियान की तरह नारी शक्तिदूत एवं का उद्घाटन हो रहा है, इसी ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है। तो 2014 साल में मैं जब मोदी जी ने देश की कमान संभाली तब उन्होंने जिस एक बात पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था वो बात थी नारी शक्ति का सशक्तिकरण और देश की माँ और बहनों के जीवन में बदलाव के लिए उन्होंने कई सारी परियोजना शुरू की। उज्ज्वला योजना इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। उज्ज्वला से महिलाओं के जीवन में उजाला लाने का काम हुआ है। आज यहाँ मुंबई शहर को रायगढ़ जिले के जोड़ने वाले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का अटल सागरी सेतु का उद्घाटन हुआ है। ये बड़े गर्व की बात है कि भारत का सबसे लंबा सागरी सेतु अपने महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार ने बनाया है। इसमें देश की तरक्की के लिए देश का पैसा जोर से घूमना जरूरी होता है और पहिया जोर से घुमाने के लिए देश में कई सारी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना का पूरा होना जरूरी होता है। मोदी जी के सरकार ने ऐसी कई सारी परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा कर देशवासियों को समर्पित किया है। आज मुंबई और दूसरी मुंबई के बाद तीसरी मुंबई यहाँ रायगढ़ जिले में बनने जा रही है। इस तीसरी मुंबई को इस सेतु के निर्माण से काफ़ी मदद होने वाली है। रायगढ़ से मुंबई जाने के लिए 2 से 2.5 घंटे दूरी अब सिर्फ 25 मिनट में पूरी होने वाली है। इससे ईंधन और कीमती का वक्त दोनों बचेगा। रायगढ़ वासियों के जीवन में इस सेतु के निर्माण के कारण कई सारे अच्छे बदलाव होने वाले हैं। यह सेतु मुंबई जैसे महानगर को ग्रामीण भारत से जोड़ने वाला सेतु है। आज यही खारकोपर उरण रेलवे का मार्ग का और दीघा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण हो रहा है। मोदी सरकार बनने के बाद मोदी जी ने सरकार ने भारतीय रेलवे का चेहरा बदल दिया है। वंदे भारत जैसी सुपरफास्ट ट्रेनें अब भारत के हर कोने में दौड़ती नजर आ रही है। इसी से भारत के ट्रेन से सफ़र करने वाला आम आदमी का जीवन और सफ़र दोनों आसान हो रहा है। देश की आम आदमी के हित की बात सोचना, उसके लिए पूरे शिद्दत से पूरे जोर कोशिश करना और बदलाव लाना, ये मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार की बड़ी उपलब्धि है। देश को बदलने और आगे ले जाने के लिए खंबीर नेतृत्व की ज़रूरत होती है। मोदी जी ने हमारा देश को ऐसा ही नेतृत्व दिया है। आज हम सूर्यापानी की परियोजना का भी उद्घाटन कर रहे हैं। बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, विज्ञान, कोई भी क्षेत्र हो, आज हर क्षेत्र में भारत देश नई राह पर चल रहा है। राजनीति में आपका लक्ष्य अगर साफ है तो कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें देश के विकास के लिए और देश के आम आदमी के लिए काम करते रहना है। ये सीख हमने मोदी जी के कार्य से ली है। आज सुबह ही हम लोग नासिक में युवा महोत्सव का उद्घाटन कर आए हैं। हमारा भारत देश आज युवाओं का देश कहलाता है। आज भारत को नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में युवा वर्ग से जुड़े हुए पंत प्रधान मिले हैं। मोदी जी पूरे भारत में पहले ऐसे नेता है जिन्होंने युवा वर्ग की आकांक्षाओं को पहचाना। युवा वर्ग के सपने को साकार करने के लिए मोदी जी के सरकार ने स्टार्टअप इंडिया जैसे उपक्रम शुरू किए, डिजिटल इंडिया की नवी सीख, मन की बात जैसे संवाद उपक्रमों को द्वारा मोदी जी ने युवा वर्ग की समस्या पर युवा के साथ संवाद कर उनकी समस्या समझाने की कोशिश की। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा उत्साह से भरे रहते हैं। हम जब भी कोई समस्या उनके पास लेकर जाते हैं
वो हमेशा उस समस्या पर सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए इस बात पर जोर लगाते हैं। आज भारत देश उनके सशक्त नेतृत्व के बल पर पूरी दुनिया में सभी क्षेत्रों में आगे जा रहा है। हम राजनेता हमेशा अपने राजनैतिक जीवन में व्यस्त रहते हैं, पर आदरणीय मोदी जी एकमात्र ऐसे राजनेता है जो युवा वर्ग से हमेशा संपर्क में रहते हैं, इसलिए वो टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करते हैं। हमारे भारत देश में मोदी जी जैसे पंतप्रधान के मार्गदर्शन में युवा पीढ़ी आगे बढ़ने की कोशिश करे तो भारत को दुनिया में महाशक्ति के रूप में उभरने से हमें कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा विश्वास है। आने वाले 4 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश ने 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य में महाराष्ट्र के राज्य 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का अपना योगदान देगा, ये वचन मैं मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के सामने महाराष्ट्र राज्य की ओर से मोदी जी को और आज इस अवसर पर आप सभी को देना चाहता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज भारत को डिजिटल इंडिया के साथ साथ डायनामिक इंडिया में तब्दील किया है, और इसलिए आप सभी हमारे प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनने के लिए इच्छुक है, इसीलिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। और अब मैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी से अनुरोध करती हूँ कि वे इस महाविराट सभा को संबोधित करें। सर्वप्रथम आई जिजाऊ महासाहेब यांच्या चरणी नतमस्तक होतो आणि नवभारताची संकल्पना ज्यांनी मांडली ते स्वामी विवेकानंदजी यांच्याही चरणी नतमस्तक होतो। हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो आणि आज आपल्या सर्वांचे लाडके नेते आणि संपूर्ण विश्वामध्ये सर्वाधिक लोकप्रिय नेते असलेले तुमचे आमचे नेते माननीय नरेंद्र मोदी जी यांचं अतिशय मनपूर्वक या ठिकाणी मी स्वागत करतो। मंचावर उपस्थित माननीय राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उपमुख्यमंत्री जी, केंद्रीय मंत्रीगण, राज्यातले मंत्रीगण, सर्व आमदार, सर्व खासदार, आमचे अध्यक्ष बावनकुळे जी, मंचासीन सर्व महानुभाव, विशेष रूपाने उपस्थित असलेले हिज एक्सलन्सी द ॲम्बेसेडर ऑफ जपान आणि उपस्थित माझ्या सर्व माता भगिनी आणि बंधूंनो, आजचा दिवस आपल्या सर्वांकरता स्वप्नपूर्तीचा दिवस आहे। मुझे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि अटल सेतु का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से हुआ है। इसका भूमि पूजन भी प्रधानमंत्री जी ने किया था और उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, और ये अटल सेतु इसलिए हो पाया क्योंकि इस देश में मोदी राज आया। अगर मोदी राज नहीं आता तो अटल सेतु कभी नहीं हो पाता। ये अटल सेतु MTHL, इसकी संकल्पना परिकल्पना 1973 में रखी गई थी। 1982 में JRD टाटा कमेटी ने इसकी अलाइनमेंट फिक्स की, लेकिन 40 साल तक कुछ नहीं हो पाया। किंतु इस देश में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, देश का मिजाज बदला, काम करने की पद्धति बदली, उनके आशीर्वाद से यहाँ पर भी हमारी युति की सरकार आई और फिर चीज़ें बड़े जोरों से दौड़ने लगी। और मोदी जी की सरकार ने सारे एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस हमको सीमित समय में दिए। जितनी मान्यताएं थी मोदी जी ने आदेश दिया तुरंत मान्यताएं मिलनी चाहिए, सारी मान्यताएं मिली। यहाँ पर
कई लोग कहते थे कि फ्लेमिंगो सेंचुरी है, उसका क्या होगा। हमने BNHS के माध्यम से उसके मिटिगेशन मेजर्स किए और आज हम देख सकते हैं फ्लेमिंगोस की संख्या बढ़ी है, वो संख्या कम नहीं हुई। और ये हमारा सेतु भी तैयार हुआ। और इतना ही नहीं, एक और हमारे सामने प्रश्न था, उस समय इतना बड़ा कर्जा जो जापान की सरकार हमको दे रही थी, जायका हमको दे रही थी, अगर हम स्टेट के बजट में लेते तो शायद हमारे रूरल एरिया में काम करने की ताकत कम होती। हमने मोदी जी से निवेदन किया, प्रथा को तोड़कर सीधा हमारे MMRDA को आप कर्जा दीजिए। मोदी जी ने देश में पहली बार कैबिनेट का निर्णय करते हुए सीधे MMRDA को ये लोन उपलब्ध कराया, तो हमारे MTHL का काम तेजी से आगे बढ़ा और आज ये सेतु यहाँ पर पूरा हो रहा है। ये सेतु एक इंजीनियरिंग मार्वल है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि केवल ये सेतु नहीं, तो इसको हम लोग कोस्टल रोड से जोड़ रहे हैं, एक और ऑरेंज टनल है, दूसरी ओर सीधा वर्ली जाने वाला ब्रिज है, उसके बाद हम लोग जानते हैं कोस्टल रोड से हम लोग बांद्रा जा रहे हैं, वर्ली बांद्रा सी लिंक है, उसके बाद बांद्रा वर्सोवा सी लिंक है, वर्सोवा से विरार एक नई लिंक हम लोग तैयार कर रहे हैं, विरार से अलीबाग एक नया कॉरिडोर हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये समझ लीजिए, पहली बार मुंबई और MMR रीजन को अपना रिंग रोड मिल रहा है, एक लूप रोड मिल रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 2019 में आपने संकल्पना रखी थी मुंबई में कहीं से भी कोई भी व्यक्ति मात्र 59 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर पहुंचना चाहिए। मेट्रो का नेटवर्क, रास्तों का नेटवर्क ऐसा तैयार हो रहा है कि ये सपना भी आने वाले 3 से 4 वर्षों में हम लोग पूरा कर पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार यहाँ पर व्यक्त करना चाहता हूँ। आज ऑरेंज टनल का भी यहाँ पर उद्घाटन, भूमि पूजन हो रहा है। सूर्या जैसी योजना, जो योजना MMR रीजन को पानी देने वाली है, उसका भी उद्घाटन यहाँ पर हो रहा है। और हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के प्रोजेक्ट्स इस महाराष्ट्र में और विशेष रूप से मुंबई और MMR में हमने हाथ में लिए हैं, मेरा विश्वास है पिछले 50 वर्ष महाराष्ट्र को मुंबई ने ताकत दी, देश को मुंबई ने ताकत दी, लेकिन अगले 25 साल महाराष्ट्र और मुंबई को और देश को कोई ताकत देगा तो ये रायगढ़ और नई मुंबई का इलाका देगा। ये नया इकोनॉमिक हब अब रायगढ़ और नवी मुंबई का एरिया होगा। ये ऐसा एरिया है जहां पर देश की 65% डेटा सेंटर कैपेसिटी तैयार हो चुकी है। आने वाला इंडस्ट्री 4.0 हो या आने वाला IT का और AI का रिवोल्यूशन हो, हर जगह यही एरिया काम में आने वाला है। और आज इस सेतु ने इस एरिया को एक ऐसी कनेक्टिविटी दे दी कि अब इसे कोई रोक नहीं सकता। हम जहां बैठे हैं वहां नया एयरपोर्ट हो रहा है, जिसका शिलान्यास भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। इस साल के अंत में प्रधानमंत्री जी ही इसका उद्घाटन भी करेंगे, ये हमारा विश्वास है। इसलिए मैं आज के इस मौके पर माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जो उनकी ताकत हमारे पीछे खड़ी होती है। महाराष्ट्र के पीछे चट्टान की तरह हमारे प्रधानमंत्री जी खड़े होते हैं, इसलिए ये सारे प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में हो पाते हैं। इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी का स्वागत करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी से मैं प्रार्थना करती हूं कि आज के इस बेहद खुशी के एवं अहम अवसर पर वे सभी को संबोधित करें। भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, श्री राम।
आजचा दिवस आपला स्वप्नपूर्तीचा आहे. आज देशातील सर्वात लांबीच्या सागरी सेतूचं आज लोकार्पण होतं आहे आणि या लोकार्पण प्रसंगी ज्यांच्या शुभ हस्ते होतं आहे ते आपल्या देशाचे गौरव मूर्ती, विश्वगौरव, लोकप्रिय आणि अतिशय कणखर असे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेबांचं मी आपल्या सगळ्यांच्या वतीने मनापासून स्वागत करतो. आणि आमचे उपस्थित राज्यपाल महोदय, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, सर्व केंद्रीय मंत्री, माझ्या विधिमंडळातील सहकारी मंत्री, सर्व खासदार, आमदार, त्याचबरोबर हिरोशी सुझुकी अँबॅसेडर ऑफ जपान आणि सर्व मान्यवर, खरं म्हणजे आपल्याला आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांना ऐकायचं आहे. आणि आज देशातला सगळ्यात लांबीचा 22 किलोमीटरचा सिंगल लाँगेस्ट सी ब्रिज या ठिकाणी आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांनी त्याचा शुभारंभ केलेला आहे. खरं म्हणजे योगायोग बघा, याच MTHL-चं, या सागरी सेतूचं भूमिपूजन आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांनी केलं होतं त्यावेळी देवेंद्रजींच्या काळामध्ये, ते मुख्यमंत्री असताना, आणि त्याचं उद्घाटन देखील आज मोदी साहेबांच्या शुभ हस्ते होतं आहे, याचा आपल्या सगळ्यांना सार्थ अभिमान आहे, आनंद आहे. मध्ये कोविडचा काळ गेला, कोविड असताना देखील या समुद्र सेतूमध्ये ज्या ज्या लोकांनी, अधिकाऱ्यांनी, इंजिनियरनी, सर्व कर्मचाऱ्यांनी, अधिकाऱ्यांनी जी मेहनत घेतली त्यांना मी मनापासून धन्यवाद देतो. कारण कोविड असताना देखील त्यांनी या पुलाचं काम योग्य वेळेमध्ये केलं आणि 2 तासाचं आता लागणारं अंतर या पुलामुळे फक्त 20 मिनिटांमध्ये मुंबईतला माणूस इथं चिरलेमध्ये येणार आहे. आणि हा गेम चेंजर प्रकल्प आहे. इंधन वाचणार, वेळ वाचणार, प्रदूषण कमी होणार, अशा प्रकारचा अत्याधुनिक टेक्नॉलॉजीचा वापर करून हा प्रकल्प आपण केला. खरं म्हणजे याच्याबरोबर आज खारकोपर उरण रेल्वे लाईन, दिघागाव रेल्वे स्थानक, सूर्या पाणी पुरवठा योजना, नवी मुंबई मेट्रो मार्ग 1, बेलापूर ते पेंढार, खार रोड आणि गोरेगाव दरम्यान नवीन रेल्वे लाईन यांचं देखील आपल्या राष्ट्राला समर्पण केलं जाणार आहे. ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह बोगदा टनेल, त्याचं देखील भूमिपूजन होणार आहे. आणि त्याचबरोबर नमो अभियानमधील मुख्यमंत्री महिला सक्षमीकरणाचा देखील शुभारंभ या ठिकाणी होणार आहे. लेक लाडकी लखपती या योजनेचा देखील शुभारंभ होतोय. हजारो महिला या कार्यक्रमाला उपस्थित आहेत, मी त्यांचं मनापासून स्वागत करतो, त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि बांधवांना देखील धन्यवाद देतो. MTHL सीलिंग ये भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम इसे दिया हुआ है. यह सेतु अटल जी के नाम की तरह ही अटल और मजबूत है, श्रद्धेय अटल जी का नाम. और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन इस ब्रिज के मजबूती की एक गारंटी है. जैसे देश में मोदी गारंटी चलती है, वैसे ये ब्रिज भी अभी और मजबूत हो गया है. यह सी ब्रिज 22 किलोमीटर का है. बड़े भूकंप के झटके को झेलने की भी क्षमता इसमें है, ऐसा ये मजबूत बनाया है. लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भूचाल आएगा और हमारे विरोधी पार्टी के लोग उसे झेल नहीं पाएंगे, ये मैं अभी कहना चाहता हूं. ये सत्यता है, ये सच्चाई है. ये सिर्फ शिवडी नावा सेवा एक मार्ग नहीं है, बल्कि जीत की ओर ले जाने वाला विकास का महामार्ग है.
अन्याय और अत्याचार करने वाले रावण के अहंकार का अंत करने के लिए प्रभु श्री राम की सेना ने समुद्र पर सेतु बनाया था। इस सागरी सेतु के निर्माण से उसी तरह अहंकारी लोगों का अहंकार भी चकनाचूर हो जाएगा। और मैं ये भी कहूंगा, जब महाराष्ट्र में विकास प्रकल्प के भूमि पूजन लोकार्पण को हम जब जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बुलाते हैं, तो प्रधानमंत्री जी हमारा और महाराष्ट्र का उत्साह बढ़ाने के लिए समय हमें देते हैं और आते हैं, लोकार्पण करते हैं, और लोगों में काफी देखा कितना आपके प्रति प्यार है। इतनी महिलाएं, इतने हमारे भाई सब यहाँ उपस्थित है, रोड पे कितने खड़े थे, इतना प्रेम शायद इस देश में नहीं बिल्कुल बल्कि दुनिया में किसी को भी नहीं मिलता होगा। और इसलिए ये विकास के जो विरोधी लोग हैं उनको हमेशा ये खटकता है, उनके पेट में दर्द होता है, लेकिन उनकी परवाह किए बिना हम सरकार का काम, विकास का काम आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हम सद्भावना और सहृदय से सेतु बनाते हैं तो लोग अपने आप आपके साथ जुड़ जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश में इसी तरह सद्भावना एवं सर्वांगीण विकास का पुल बना रहे हैं, और इसीलिए इनके साथ अब की बार 400 पार के नारे को मजबूत करने के लिए हमारी भी एक बड़ी जिम्मेदारी बन चुकी है। और इसलिए मैं कहूँगा, मैं आप सब की तरफ से कहूँगा कि फिर एक बार मोदी सरकार और महाराष्ट्र में अब की बार 45 पार ये संकल्प लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये विकास के माध्यम से हम लोगों के सामने जाएंगे। जो विकास हमारी सरकार बनने से पहले रुक चुका था, उसमें रोड़े डाले थे, स्पीड ब्रेकर थे, बंद था, उसे आगे बढ़ाने का काम मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है। और निश्चित रूप से मैं कितने प्रकल्प शुरू है इसकी गिनती नहीं करूंगा, लेकिन नम्रता पूर्वक इतना ही कहूंगा कि पूरे देश में आपके मार्गदर्शन में, आपके सहयोग से, आपके नेतृत्व में इस महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा इंफ्रा प्रोजेक्ट शुरू है और लोगों के भलाई के लिए। आज इस अटल सेतु से यह पूरी तीसरी मुंबई डेवलप हो जाएगी। या एयरपोर्ट है, या मुंबई पुणे कनेक्ट होगा, मुंबई गोवा कनेक्ट होगा, वसई विरार मल्टी मॉडल को कनेक्ट होगा, दिल्ली मुंबई का फ्रेट कॉरिडोर को भी कनेक्ट होगा। एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। यह सिर्फ एक प्रकल्प नहीं बल्कि एक अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बदलने वाला प्रकल्प है। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि जो जो हमारे प्रस्ताव जाते हैं केंद्र में, बिल्कुल कटौती नहीं करते हुए वैसे के वैसे पूरी तरह मान्य होते हैं। इसलिए तो डबल इंजन की सरकार पूरी स्पीड से, गति से काम कर रही है। या मैं बताना चाहूंगा कि जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत ही पेट प्रोजेक्ट था, उसे भी रुकाया था, लेकिन जैसे हमारी सरकार आ गई तो सब बाधाएं समा दूर हो गई। उसका भी काम, लैंड एक्विजिशन हो या जो भी काम है, उसे भी आगे बढ़ाने का काम हमें शुरू किया है। और निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में देश की प्रगति बुलेट की गति से हो रही है, यह वास्तवता है। 50-60 सालों में जो नहीं कर पाए, वो जो 9-9.5 सालों में मोदी जी ने करके दिखाया है। इसीलिए इस भारत का नाम
पूरी दुनिया में अदब से लोग लेते हैं। ऐसे परिस्थिति में बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, डगमगा गई है, लेकिन ऐसे परिस्थिति में हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई पे नया आयाम देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ऐसा ही प्रेम महाराष्ट्र के साथ आगे आपका रहेगा, ये मुझे विश्वास है। और विकास के बारे में तो कभी भी केंद्र सरकार हमारे साथ है, वंदे भारत हो, ट्रेन के काम हो, जो भी विकास के प्रकल्प हो, केंद्र सरकार हमेशा, जैसे हमारे देवेंद्र जी ने कहा कि चट्टान की तरह हमारे महाराष्ट्र सरकार के पीछे केंद्र सरकार खड़ा है, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आणि लेक लड़की लखपति आणि आपल्या ज्या महिला बचत गटाच्या महिला आलेल्या आहेत, सीआरपी आहेत आणि हजारोंच्या संख्येने या ठिकाणी महिला भगिनी आल्यात, त्यांना देखील मी मनापासून धन्यवाद देतो, आपलेही आभार मानतो। आणि एक गोष्ट फक्त मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो की देशामध्ये करोडो राम भक्तांचं जे स्वप्न होतं की अयोध्यामध्ये राम मंदिर झालं पाहिजे, हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंचं पण स्वप्न होतं राम मंदिर झालं पाहिजे, आज ते असते, तर आदरणीय मोदी साहेबांचं त्यांनी मोकळ्या मनाने अभिनंदन केलं असतं। आणि म्हणून मी कुठल्या शब्दांमध्ये, मेरे पास शब्द नाही आहे आभार व्यक्त करणे के लिए, इसलिए मैं आपको सादर वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आणि मी आपल्या सगळ्यांना एक तर सांगतो, दोन मिनट सगळ्यांनी या अयोध्येमध्ये राम मंदिर निर्माण होत आहे यासाठी उभं राहून आदरणीय प्रधानमंत्रींना मानवंदना द्यायची आहे। टाळ्यांच्या गजरामध्ये उभं राहून सगळ्यांनी मानवंदना देऊन जय श्रीरामचा आपण घोषणा करूया, घोष करूया, जय श्रीराम। जय श्रीराम। धन्यवाद, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। देवी और सज्जनों, ऑरेंज गेट से मरीन ड्राइव टनल परियोजना का शिलान्यास, खारकोपर उरण रेलवे लाइन परियोजना का उद्घाटन, ठाणे एवं ऐरोली के बीच दीघा गांव रेलवे स्थानक का उद्घाटन, भारत रत्नम मेगा सीएफसी का उद्घाटन, नेस्ट एक भवन का उद्घाटन, सूर्या प्रादेशिक जलापूर्ति परियोजना के पहले चरण का राष्ट्र को लोकार्पण, बेलापुर से पेंढर नवी मुंबई मेट्रो लाइन एक का राष्ट्र को लोकार्पण, खार रोड तथा गोरेगांव के बीच छठी रेलवे लाइन का राष्ट्र को लोकार्पण करने हेतु रिमोट का बटन दबाकर ई फलकों का अनावरण करने की विनती मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से करती हूँ। साथ ही इन सब के बारे में तथा कुछ ही देर पहले जिसका उद्घाटन हुआ उस अटल सेतु के बारे में, आजादी के अमृत काल यानी आने वाले 25 साल में विकसित भारत के निर्माण का विराट संकल्प लिया है। विकसित भारत के इस रोडमैप में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल है। ऑरेंज गेट मुंबई के ईस्टर्न फ्रीवे के एक छोर से लेकर क्रॉफर्ड मार्केट से मरीन ड्राइव तक के इलाके का ट्रैफिक जैम हमेशा से ही चर्चा का विषय बना रहा है, लेकिन इस असंभव से लगने वाली चुनौती से निपटना और इससे बाहर निकलने का रास्ता खोज पाना सिर्फ और सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण संभव हो पाया है। ईस्टर्न फ्रीवे और मरीन ड्राइव पर कोस्टल रोड को जोड़ने वाली 9.2 किलोमीटर लंबी भूमिगत सड़क और आने जाने के लिए 3.2 किलोमीटर लंबी और 11 मीटर चौड़ाई वाली दो सुरंगों का निर्माण करने का संकल्प लिया है। ये सड़क आपातकालीन लेन के साथ 3 लेन की होगी और इस पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन चल सकेंगे। इस प्रोजेक्ट का कुल बजट लगभग 9,100 करोड़ रुपए है। पी डिमेलो रोड के साथ साथ चर्च गेट, कोलाबा, नरीमन पॉइंट, मरीन ड्राइव पर होने वाले ट्रैफिक जाम
परिणाम से राहत मिलना तय है। महाराष्ट्र के विकास के लिए दिन रात काम कर रहे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस तथा उपमुख्यमंत्री अजीत दादा पवार जी के मार्गदर्शन में मूर्त रूप लेने वाली इस परियोजना का भूमि पूजन भारत को विकास का रास्ता दिखाने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा किया जा रहा है। यह भूमिगत सड़क 2026 के अंत तक जनता के इस्तेमाल के लिए तैयार रखने की योजना है और ऑरेंज गेट और नरीमन पॉइंट के बीच यात्रा का समय केवल और केवल 5 मिनट होने की निश्चिति है। इस परियोजना के कारण चेंबूर से नरीमन पॉइंट की दूरी लगभग 30 से 35 मिनट में तय कर ली जाएगी। इसी के चलते न केवल यात्रा का समय पर ईंधन, मनुष्यों की क्षमता का व्यय भी कम होगा और ध्वनि और वायु प्रदूषण से भी राहत मिलेगी। मुंबई बदल रही है, महाराष्ट्र बदल रहा है। महाराष्ट्र यानी मजबूत भारत के निर्माण में अतुलनीय योगदान देने वाले महान छत्रपति शिवाजी महाराज की कर्मभूमि महाराष्ट्र यानी वीर मराठाओं की अथक परिश्रम से सिंचित उर्वर भूमि महाराष्ट्र यानी एक ऐसा वाइब्रेंट राज्य जिसकी अनूठी संस्कृति और विरासत को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिलाई है एक नई पहचान। भारत के इतिहास में पहली बार 10 लाख करोड़ रुपए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए रखे गए हैं। ये 9 साल की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। इसमें भी रेलवे का हिस्सा लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का है। महाराष्ट्र के लिए भी रेल बजट में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। वर्ष 2014 के बाद से मोदी सरकार द्वारा महाराष्ट्र में रेलवे के विकास में अभूतपूर्व निवेश किया गया है। वर्ष 2023 में महाराष्ट्र को रेलवे विकास के लिए 13,000 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए, जो कि वर्ष 2009 से 2014 के दौरान सालाना औसत बजट की तुलना में करीब 12 गुना अधिक है। महाराष्ट्र में नई रेल लाइनों के निर्माण, दोहरीकरण और रेल मार्गों के विद्युतीकरण में भी रिकॉर्ड गति से कार्य किया जा रहा है। आज महाराष्ट्र में 7 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। ये ट्रेनें राज्य के निवासियों को आरामदायक और तेज सफर का अनुभव करा रही है। आज अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत राज्य में बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। वहीं गत वर्षों में मुंबई महानगर में उपनगरीय रेल सेवाओं के आधुनिकीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण और कनेक्टिविटी विस्तार के इस क्रम में आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है लगभग 2,000 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं का उद्घाटन एवं राष्ट्र को समर्पण। आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है उनमें शामिल हैं खारकोपर उरण उपनगरीय रेल खंड, दीघा गांव न्यू रेलवे स्टेशन, साथ ही आज किया जा रहा है खार रोड और गोरे गांव के बीच नवनिर्मित छठी रेल लाइन का राष्ट्र को समर्पण और प्रधानमंत्री जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया जा रहा है उरण खारकोपर EMU ट्रेन सेवा का शुभारंभ। खारकोपर उरण न्यू डबल रेल लाइन सेक्शन के शुभारंभ से स्थानीय निवासियों, छात्रों, व्यापारियों और दैनिक यात्रियों को होगा विशेष लाभ। एस्केलेटर और लिफ्ट जैसी सुविधाओं से युक्त दीघा गांव रेलवे स्टेशन दिव्यांगजन अनुकूल है और इससे स्थानीय निवासियों को मिलेगी लोकल ट्रेनों में सफर की सुविधा। इसी प्रकार खार रोड एवं गोरे गांव के बीच निर्मित छठी रेल लाइन के निर्माण से यहां से गुजरने वाली मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों का निर्बाध आवागमन होगा सुनिश्चित। विकसित भारत के निर्माण में संकल्प को सिद्ध करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है भारतीय रेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत रत्न नाम का कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है। जेम्स एंड ज्वेलरी क्षेत्र में विश्व में ख्याति प्राप्त सीब्स में ये सुविधा केंद्र बन रहा है। प्रशासन और निर्यातक दोनों ने मिलकर इस योजना को रूप दिया है।
इस 6 मंजिला इमारत को 85 करोड़ की लागत से बनाया गया है, जिसमें अत्याधुनिक तकनीकी वाली मशीनों को स्थापित किया गया है। इस केंद्र में कौशल विकास और प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया गया है, जिससे दिव्यांगों का भी कौशल विकास होगा। भारत रत्नम CFC। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के प्रयासों को मजबूती प्रदान करने वाला प्रोजेक्ट है नेस्ट वन। सीब्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को इस 1,40,000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग के निर्माण से एक नया रूप प्राप्त होगा। इस स्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी से सजाया गया है। इस बिल्डिंग से सालाना 15,000 करोड़ तक के जेम्स एंड ज्वेलरी निर्यात का लक्ष्य रखा गया है, जिसके चलते रोजगार एवं निर्यात में खासा बढ़ोतरी होगी। आमची मुंबई को गोल्डन गेटवे ऑफ ग्लोबल मार्केट बनाने के उद्देश्य से उठाया गया एक अहम कदम है नेस्ट वन। ये पानी परमात्मा का प्रसाद है, एक बूंद भी पानी बर्बाद नहीं होना चाहिए। जितनी भी आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसका हमने उपयोग करना चाहिए। पालघर जिले के धामणी में सूर्या बांध भी इसी उद्देश्य से बनवाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी के जल संरक्षण के विजन के तहत सारे विकास कार्यों की योजना बनाते समय पानी की बढ़ती हुई जरूरत सामने आई और यहीं से सूर्या क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजना तैयार की गई। सूर्या क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजना के अनुसार वसई स्थित चरण 1 में सूर्या बांध के पास कवड़ास बांध से लिए गए पानी को सूर्या नगर के जल शुद्धिकरण केंद्र में शुद्ध किया जाएगा। ये पानी लगभग 82 किलोमीटर लंबे भूमिगत चैनल के माध्यम से वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए काशित कोपर स्थित जलाशय में भेजा जाएगा और मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए घोड़बंदर चेणे जलाशय में भेजा जाएगा। परियोजना में पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए मीरा भाईंदर में पाइपलाइन के लिए एक विशेष भूमिगत मार्ग का निर्माण किया गया है। सूर्या क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजना का कुल खर्च लगभग 1150 करोड़ रुपयों से अधिक है। इस प्रोजेक्ट में पानी ग्रेविटी की मदद से लिया जाएगा, जिससे निश्चित रूप से बिजली की बचत होगी। इस परियोजना के माध्यम से मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और वसई विरार क्षेत्र के लगभग 30 लाख लोगों को 403 मिलियन लीटर पानी की आपूर्ति की जाएगी। ये योजना मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ जी शिंदे, उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस और उप मुख्यमंत्री माननीय अजीत दादा पवार के मार्गदर्शन में पूरी हो रही है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये योजना पूरी तरह जीवनदायी साबित हो रही है। जिस प्रकार के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कभी कल्पना होती थी, आज वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बन रहा, यानी देश में आज की जरूरत और भविष्य में समृद्धि की संभावनाओं दोनों पर एक साथ काम चल रहा। नवी मुंबई मेट्रो मार्ग 1। नवी मुंबई, पहले इस शहर को सिर्फ मुंबई शहर के विस्तारित रूप में ही देखा जाता था, लेकिन इस शहर के योजनाबद्ध विकास के कारण अब नवी मुंबई शहर देश में एक आदर्श शहर बनकर उभर रहा है। सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में इस विकास प्रक्रिया में अब तेजी से बदलाव आ रहा है। शहर की लगातार बढ़ती आबादी और यातायात की जरूरत को देख यात्रा को अधिक सुखद, सुरक्षित और तेज बनाने हेतु नवी मुंबई मेट्रो मार्गिका की स्थापना की है। ये मार्ग एक सुनियोजित सार्वजनिक परिवहन विकास है, जिसमें बेलापुर से पेंडर तक 11 किलोमीटर की विस्तृत दूरी को तय करने हेतु 11 स्थानक है। ये नवी मुंबई मेट्रो तलोजा निवासियों के मुंबई की मुख्य धारा से जुड़ने के सपने को पूरा करेगी। महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार का अमूल्य मार्गदर्शन निश्चित रूप से उल्लेखनीय है। निस्संदेह ये मेट्रो सुविधा नवी मुंबई के भविष्य को आकार देने वाला एक राजमार्ग होगी। आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए
ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो वही आज का भारत हर वो कदम भी उठा रहा है जिससे प्रोजेक्ट में देरी ना हो। बदलाव के लिए परिश्रम ही एकमात्र विकल्प होता है। इस सच्चाई को साबित करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने कई सारे ठप हुए प्रोजेक्ट्स को संजीवनी दी है। उन्हीं कुछ प्रोजेक्ट्स में से एक है अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी न्हावा सेवा अटल सेतु। अटल सेतु की लंबाई 21.8 किलोमीटर इतनी है। इस महामार्ग पर दो तरफ तीन तीन मार्गिकाएं और एक आपातकालीन मार्गिका है। इस सेतु का 16.5 किलोमीटर का मार्ग समुद्री सतह से ऊपर है तो 5.5 किलोमीटर की उन्नत मार्गिका है। अटल सेतु का कुल बजट 17,800 करोड़ से अधिक है और यह पूरे भारत वर्ष का सबसे लंबा सागरी सेतु है। इस अटल सेतु की शुरुआत शिवडी से होती है और शिवाजी नगर से होकर चिरले गांव में इसकी सीमा समाप्त होती है। इन तीनों जगहों से निकलने वाले तीन इंटरचेंजेस भी हैं, जिसकी वजह से मुंबई से रायगढ़, नई मुंबई का हवाई अड्डा, न्हावा सेवा बंदर और मुंबई पुणे द्रुतगति मार्ग, इनके बीच का फासला कम होगा। सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के शून्य पर्यावरण हानि के विजन के तहत सागरी जीवन आहत न हो, ये भी सुनिश्चित किया गया है। इस सेतु के कारण यात्रा का अनुभव सुखद, जलद और ईंधन समय की बेहद बचत होती है। मानो ये प्रोजेक्ट महायुति के सर्वांगीण विकास पर्व का एक तरह से प्रमाण है। सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और लीडरशिप के तहत अटल सेतु का निर्माण किया गया है। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार, इनके मार्गदर्शन से सेतु का काम सफल हुआ है और भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जैसे जुझारू नेता का नाम इस सेतु को दिया जाना अपने आप में ऊंचा स्तर सुनिश्चित करने वाली बात है। यादगार पल हम सभी के लिए। और अब उरण से खारकोपर के बीच चलने वाली ईएमयू रेलगाड़ी की शुभारंभीय सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने की विनती मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करती हूं। हम स्क्रीन पर इस ट्रेन को उरण स्थानक से चलते हुए देख रहे हैं। धन्यवाद। और अब नमो मिशन के अंतर्गत मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण अभियान तथा नारी शक्ति दूत एप्लीकेशन का लॉन्च, साथ ही बेटियों के सबलीकरण हेतु महाराष्ट्र सरकार की लेक लाड़की योजना का शुभारंभ रिमोट का बटन दबाकर करने की विनती मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करती हूँ। साथ ही ये हमारे संस्कार ही है, भारत को भी मां के रूप में देखते हैं, खुद को मां भारती की संतान मानते हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार के नेतृत्व में हमारी महिला व बाल विकास मंत्री अदिति वरदा सुनील तटकरे के साथ महाराष्ट्र की संवेदनशील सरकार ने मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत महानिर्धार किया है महिलाओं को सशक्त बनाने का। लेक लाड़की योजना के तहत लड़कियों को 18 साल की उम्र तक कुल 1,01,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 1 करोड़ महिलाओं को सरकारी योजनाओं से सीधे लाभ, 20 लाख नई महिलाओं को शक्ति समूहों से जोड़ना, 10 लाख महिलाओं को रोजगार और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना, 5 लाख महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए पूंजी प्रदान करना और 10 लाख उद्योजक महिलाओं के लिए बाजारों और ग्राहकों तक पहुँचने की व्यवस्था बनाना ये प्राथमिक उद्देश्य है। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी की महिला विकास को प्राथमिकता देने की नीति से प्रेरणा लेकर महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत मोबाइल एप्लीकेशन नारी शक्ति दूत बनाया जा रहा है। इस ऐप के माध्यम से निम्नलिखित लाभ होंगे। ये सभी रिकॉर्ड और समस्या जिला जन कल्याण कक्ष के माध्यम से संबंधित विभागों और मुख्यमंत्री महोदय तक पहुँचेंगे। गहन अध्ययन के बाद बनाई गई योजनाएं सफलता की ओर अग्रसर दिख रही हैं।
हमने बेटी के जन्म से लेकर जीवन के चक्र में हर अवस्था में महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजनाएं बनाई, अभियान चलाए। गेले 30 वर्ष या मसरुंडी गावातील महिलांना काबार कष्ट करताना मी पाहिलेले आहे, परंतु महाराष्ट्र शासनाच्या लेक लाडकी योजनेतून येणारी पुढची पिढी खऱ्या अर्थाने सक्षम होताना पाहून मन भरू येते। सगळे सौंदर्य येत आहेत त्यात, पण मुलीला मोठं करायसाठी आपू पैसे तर थोडे लागतात ना, ते सोंग मग कुठून आणणार? पण म्हणतात ना, देव सगळ्या लेकरांचे नशीब लिहूनच पाठवतो। तसेच बघा, महाराष्ट्र शासनाकडून आलेल्या या माझ्या आईने माझ्या लेकीच्या आयुष्याची चिंताच मिटवलेली आहे। लेक लाडकी या योजनेतून तुमच्या मुलीला जलमतच 5,000 रुपये मिळणार आहेत। पुढे 1वीत 7वीत आणि 11वीत गेल्यावर सुद्धा या योजनेचा लाभ होणार आहे। एवढंच काय, तुमची मुलगी 18 वर्षाची झाल्यावर तिला महाराष्ट्र शासनाकडून 75,000 रुपये मिळणार आहेत। अहो, माझी मुलगी आता शिकेल, मोठी अधिकारी होईल, स्वतःच्या पायावर उभी राहील, यापेक्षा दुसरा आईबापाला काय पाहिजे? महाराष्ट्र राज्यातील जवळपास 2.5 लाख मुली लवकरच घेणार त्यांच्या उज्ज्वल भविष्याकडे झेप। आज महाराष्ट्र शासनाच्या लेक लाडकी योजनेचा शुभारंभ भारताचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या शुभहस्ते होत आहे, याचा आम्हाला अभिमान आहे। और अब बेटियों के सबलीकरण हेतु महाराष्ट्र सरकार की लेक लाडकी योजना के लाभार्थियों को प्रातिनिधिक रूप में धनादेश वितरित करने की विनती मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करती हूँ। सबसे पहले दो जुड़वा बहनें हैं, कुमारी श्रीदा गणेश लश्कर, उनमें से पहली बेटी। और इन जुड़वा बहनों में से दूसरी बेटी है कुमारी श्रीशा गणेश लश्कर। आगे चलते हैं, कुमारी आराध्या दत्ता लोणारे। और अंत में कुमारी रक्षिता सुजीत शिंदे। देवी और सज्जनों, बतलाते हुए बड़ा अभिमान होता है, 1,01,000 की राशि 5 किश्तों में दी जाएगी इन सभी को। आज उसकी पहली किश्त है। पूरे साल भर में 2.5 लाख लाभार्थियों को इसका लाभ होगा और इस योजना का कुल बजट है 100 करोड़ रुपए। धन्यवाद। देवी और सज्जनों, राष्ट्र की उन्नति के लिए दिन रात एक करने वाले, देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करने वाले विश्व नेता, भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज के इस अत्यंत आनंद तथा महत्वपूर्ण अवसर पर वे अपनी ओजस्वी वाणी तथा बहुमोल विचारों से हमें अनुग्रहित करें। मुंबई आणि मुंबई उपनगरातून मोठ्या संख्येने उपस्थित सर्वांना माझा नमस्कार। आज का दिन मुंबई और महाराष्ट्र के साथ ही विकसित भारत के संकल्प के लिए बहुत बड़ा, बहुत ऐतिहासिक है। आज विकास का ये उत्सव भले ही मुंबई में हो रहा है, लेकिन इस पर पूरे देश की नजर है। आज दुनिया के सबसे बड़े श्री ब्रिज में से एक ये विशाल अटल सेतु देश को मिला है। यह हमारे उस संकल्प का भी प्रमाण है
कि भारत के विकास के लिए हम समंदर से भी टकरा सकते हैं, लहरों को भी चीर सकते हैं। आज का ये कार्यक्रम संकल्प से सिद्धि का भी प्रमाण है। मैं 24 दिसंबर 2016 का दिन नहीं भूल सकता, जब मैं मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक अटल सेतु के शिलान्यास के लिए यहां आया था। तब मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करते हुए कहा था कि लिख कर रखिए, देश बदलेगा भी और देश बढ़ेगा भी। जिस व्यवस्था में सालों साल काम लटकाने की आदत पड़ गई थी, उससे देशवासियों को कोई उम्मीद बची नहीं थी। लोग सोचते थे कि उनके जीते जी बड़े प्रोजेक्ट पूरे हो जाएं, ये मुश्किल ही है। और इसलिए मैंने कहा था, लिख कर रखिए, देश बदलेगा और जरूर बदलेगा। ये तब मोदी की गारंटी थी। और आज मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को फिर नमन करते हुए, मुमरा देवी को नमन करते हुए, सिद्धि विनायक जी को प्रणाम करते हुए, ये अटल सेतु मुंबई करों को, देश के लोगों को समर्पित कर रहा हूं। कोरोना के महासंकट के बावजूद मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का काम बहुत पूरा होना बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। शिलान्यास, भूमि पूजन, उद्घाटन और लोकार्पण सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम भर नहीं होता, नहीं है मीडिया में आने के लिए और जनता को रिझाने के लिए होता है। हमारे लिए हर प्रोजेक्ट भारत के नवनिर्माण का माध्यम है। जैसे एक एक ईंट से बुलंद इमारत बनती है, वैसे ही ऐसे हर प्रोजेक्ट से भव्य भारत की इमारत बन रही है। साथियों, आज यहां देश के मुंबई और महाराष्ट्र के विकास से जुड़े हुए 33,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये प्रोजेक्ट रोड, रेल, मेट्रो, पानी जैसी सुविधाओं से जुड़े हुए हैं। आज व्यापार जगत को मजबूती देने वाली आधुनिक भारत रत्नम और नेक्स्ट वन बिल्डिंग भी मुंबई के लिए को मिली है। इसमें से अधिकतर प्रोजेक्ट तब शुरू हुए थे जब महाराष्ट्र में पहली बार डबल इंजन की सरकार बनी थी। इसलिए महाराष्ट्र में देवेंद्र जी से लेकर के अब एकनाथ शिंदे जी, अतीश पवार जी तक पूरी टीम के प्रयासों का परिणाम है। मैं उन सबको बधाई देता हूं। मैं आज महाराष्ट्र की बहनों को भी बधाई दूंगा। इतनी बड़ी तादाद में महिलाओं का आना, इन माताओं बहनों का हमें आशीर्वाद देना, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होता है। देश की माताओं बहनों बेटियों के सशक्तिकरण की जो गारंटी और जो गारंटी मोदी ने दी है ना, उसको महाराष्ट्र सरकार भी आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री महिला सक्षमीकरण अभियान, नारी शक्ति दूत एप्लीकेशन और लेक लाड़की योजना ऐसा ही एक उत्तम प्रयास है। आज यहां इस आयोजन में हमें आशीर्वाद देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं, बहनें और बेटियां आई हुई है। विकसित भारत के निर्माण के लिए भारत की नारी शक्ति का आगे आना, नेतृत्व करना उतना ही आवश्यक है। हमारी सरकार का निरंतर प्रयास है कि माताओं, बहनों, बेटियों के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को दूर करें, उनकी जिंदगी आसान बनाएं। उज्ज्वला का गैस सिलेंडर हो, आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा हो, जनधन बैंक खाते हो, पीएम आवास के पक्के घर हो, घरों की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम हो, गर्भवती महिलाओं के बैंक खाते में 6,000 रुपया भेजना हो, नौकरी करने वाली महिलाओं को वेतन के साथ
26 हफ्ते की छुट्टी देना हो, सुकन्या समृद्धि खातों के माध्यम से ज्यादा ब्याज देना हो, हमारी सरकार ने महिलाओं के हर चिंता का ध्यान रखा है। डबल इंजन की सरकार किसी भी राज्य में हो, महिला कल्याण उसकी सबसे प्रथम प्रमुख हमारी गारंटी है। आज जो योजनाएं शुरू हो रही है वो भी इसी दिशा में बड़ा कदम है। मेरे परिवारजनों, बीते कई दिनों से देश में मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक अटल सेतु की चर्चा हो रही है। आज जो कोई अटल सेतु को देख रहा है तो इसकी तस्वीरें देख रहा है वो गौरव से भर उठता है। कोई इसकी विशालता से समुन्द्र के बीच उसकी अड़िग छवि से मंत्रमुग्ध है, कोई इसके इंजीनियरिंग से प्रभावित है। जैसे इसमें जितनी वायर लगी है उससे पूरी पृथ्वी के दो बार चक्कर लग सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में जितना लोहा स्टील इस्तेमाल किया है उससे हावड़ा ब्रिज चार हावड़ा ब्रिज और 6 स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का निर्माण हो सकता है। कोई इस बात से खुश है कि अब मुंबई और रायगढ़ की दूरी और सिमट गई है। जिस यात्रा में पहले कई घंटे लगते थे अब वही यात्रा कुछ मिनटों में ही हो जाया करेगी। इससे नवी मुंबई के साथ साथ पुणे और गोवा भी मुंबई के और पास आ जाएंगे। इस ब्रिज को बनाने में जापान ने जो सहयोग किया है उसके लिए मैं जापान सरकार की विशेष रूप से आभारी हूं। मैं आज अपने प्रिय मित्र स्वर्गीय शिंजो आबे को जरूर याद करूंगा। इस ब्रिज के निर्माण को जल्द से जल्द पूरा करने का संकल्प हम दोनों ने मिलकर लिया था, लेकिन साथियों, अटल सेतु को हम इतने सीमित दायरे में नहीं देख सकते। अटल सेतु भारत की उस आकांक्षा का जयघोष है जिसका आह्वान साल 2014 में पूरे देश ने किया था। जब मुझे चुनाव की जिम्मेवारी दी गई थी तो 2014 के चुनाव के कुछ समय पहले मैं रायगढ़ किले पर गया था, छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने बैठ करके कुछ पल मैंने बिताए थे उन संकल्पों को सिद्धि में बदलने की, उनकी इच्छा शक्ति जनशक्ति को राष्ट्र शक्ति बनाने की, उनकी दृष्टि सब कुछ मेरी आंखों के सामने और आशीर्वाद बन करके आया था। उस बात को 10 साल हो रहे हैं। इन 10 वर्षों में देश ने अपने सपनों को सच होते देखा है, अपने संकल्पों को सिद्धियों में बदलते हुए देखा है। अटल सेतु इसी भावना का प्रतिबिंब है। युवा साथियों के लिए यह नया विश्वास लेकर आ रहा है, उनके बेहतर भविष्य का रास्ता अटल सेतु जैसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से होकर ही गुजरता है। अटल सेतु विकसित भारत की तस्वीर है। विकसित भारत कैसा होने वाला है उसकी एक झलक है। विकसित भारत में सबके लिए सुविधा होगी, सबकी समृद्धि होगी, गति होगी, प्रगति होगी। विकसित भारत में दूरियां सिमटेगी, देश का कोना कोना जुड़ेगा, जीवन हो या आजीविका, सब कुछ निरंतर बिना रुकावट के चलेगा। यही तो अटल सेतु का संदेश है। मेरे परिवारजनों, बीते 10 वर्षों में भारत बदल गया है, इसकी चर्चा खूब होती है। बदले हुए भारत की तस्वीर तब और साफ हो जाती है जब हम 10 वर्ष के पहले भारत को याद करते हैं। 10 साल पहले हजारों लाखों करोड़ रुपए के मेगा स्कैम्स की चर्चा होती थी, आज हजारों करोड़ रुपए के मेगा प्रोजेक्ट के पूरे होने की चर्चा होती है। सुशासन का यह संकल्प देश भर में दिख रहा है। देश ने नॉर्थ ईस्ट में भूपेन हजारिका सेतु और बोगीबील ब्रिज जैसे मेगा प्रोजेक्ट पूरे होते देखा है। आज अटल टनल और चेनाब ब्रिज जैसे प्रोजेक्ट की चर्चा होती है। आज एक के बाद एक बनते एक्सप्रेस वे की चर्चा होती है। आज हम भारत में आधुनिक और भव्य रेलवे स्टेशन बनते देख रहे हैं। ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर रेलवे की तस्वीर बदलने वाले हैं। वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत ट्रेनों सामान्य जन के सफर को आसान और आधुनिक बना रही है। आज हर कुछ सप्ताह में देश किसी न किसी कोने में नए एयरपोर्ट का लोकार्पण होता है।
साथियों, यही मुंबई में, महाराष्ट्र में इन वर्षों में अनेक मेगा प्रोजेक्ट या तो पूरे हो चुके हैं या फिर बहुत जल्द पूरे होने वाले। पिछले साल ही बाला साहब ठाकरे समृद्धि महामार्ग का लोकार्पण हुआ, नवी मुंबई एयरपोर्ट और कोस्टल रोड प्रोजेक्ट पर भी तेजी से काम चल रहा है। कोस्टल रोड प्रोजेक्ट से मुंबई महानगर की कनेक्टिविटी का कायाकल्प होने जा रहा है। ऑरेंज गेट, ईस्टर्न फ्रीवे और मरीन ड्राइव की अंडरग्राउंड टनल कनेक्टिविटी मुंबई शहर में ईज ऑफ ट्रैवल बनाएगी। आने वाले कुछ सालों में ही मुंबई को पहली बुलेट ट्रेन भी मिलने वाली है। दिल्ली मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर महाराष्ट्र को मध्य भारत और उत्तर भारत से जोड़ने जा रहा है। महाराष्ट्र को तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और अन्य पड़ोसी राज्यों से जोड़ने के लिए ट्रांसमिशन लाइन नेटवर्क बिछाया जा रहा है। इसके अलावा ऑयल और गैस पाइपलाइन हो, औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी हो, नवी मुंबई एयरपोर्ट हो, शैंद्र बिड़किन इंडस्ट्रियल पार्क हो, ये बड़ी परियोजनाएं महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को नई गति देने वाली है। मेरे परिवारजनों, आज पूरा देश प्रत्यक्ष देख रहा है कि टैक्स पेयर का पैसा किस तरह देश के विकास लग रहा है, लेकिन देश पर दशकों तक शासन करने वालों ने देश का समय और टैक्स पेयर का पैसा दोनों ही की परवाह नहीं की है। इसलिए पहले के दौर में कोई प्रोजेक्ट या तो जमीन पर उतरता ही नहीं था या फिर दशकों तक लटका रहता था। महाराष्ट्र तो ऐसे अनेक प्रोजेक्ट का साक्षी रहा है। निलवंडे डैम का काम 5 दशक पहले शुरू हुआ था, इसे हमारी सरकार ने पूरा किया। उरण खारको पर रेल लाइन पर भी लगभग 30 दशक पहले काम शुरू हुआ था, ये डबल इंजन की सरकार ने पूरा किया। नवी मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट भी लंबे समय तक लटका रहा, यह डबल इंजन की सरकार बनने के बाद हमने इसे गति दी और अब पहला चरण पूरा हो चुका। ये जो अटल सेतु आज हमें मिला है, इसकी प्लानिंग भी कई सालों पहले चल रही थी, यानी मुंबई के लिए इसकी जरूरत सबसे अनुभव की जा रही थी, लेकिन इसे पूरा करने का सौभाग्य हमें मिला। और आप याद रखिए, बांद्रा वर्ली सी लिंक प्रोजेक्ट अटल सेतु से करीब 5 गुना छोटा है, 5 गुना छोटा है। पहले की सरकार में उसको बनते बनते 10 साल से ज्यादा लगे थे और बजट 4-5 गुना अधिक बढ़ गया था। ये तब सरकार चला रहे लोगों के काम करने का तरीका था। साथियों, अटल सेतु जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सिर्फ सुविधा ही नहीं देते बल्कि रोजगार के भी बहुत बड़े साधन होते। इसके निर्माण के दौरान मेरे करीब 17,000 मजदूर भाई बहनों और 1500 इंजीनियर्स को सीधा रोजगार मिला। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट से जुड़े कारोबार, निर्माण से जुड़े दूसरे बिजनेस में जो रोजगार मिला वो अलग है। अब ये इस पूरे क्षेत्र में हर प्रकार के बिजनेस को बल देगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग लाइफ इसके लिए बढ़ाएगा। मेरे परिवारजनों, आज भारत का विकास 2 पटरियों पर एक साथ हो रहा है। आज एक तरफ गरीब का जीवन बेहतर बनाने के लिए महाअभियान है तो दूसरी तरफ देश के कोने कोने में चल रही महापरियोजनाएं। हम अटल पेंशन योजना भी चला रहे हैं और अटल सेतु भी बना रहे हैं। हम आयुष्मान भारत योजना भी चला रहे हैं और वंदे भारत अमृत भारत ट्रेन भी बना रहे हैं। हम पीएम किसान सम्मान निधि भी दे रहे हैं और पीएम गति शक्ति भी बना रहे हैं। आज का भारत ये सब कुछ एक साथ कैसे कर पा रहा है, इसका जवाब है नियत और निष्ठा। हमारी सरकार की नियत साफ है। आज सरकार की निष्ठा सिर्फ और सिर्फ देश के प्रति और देशवासियों के प्रति है। और जैसी नियत होती है, जैसी निष्ठा होती है, वैसे ही नीति भी होती है, और जैसी नीति होती है वैसी रीति भी होती है। जिन्होंने लंबे समय तक देश पर शासन किया, उनकी नियत और निष्ठा दोनों सवाल के घेरे में रही। उनकी नियत सिर्फ सत्ता हासिल करने की रही, वोट बैंक बनाने की रही, अपनी तिजोरियां भरने की रही। उनकी निष्ठा देशवासियों के प्रति नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने परिवारों को आगे बढ़ाने तक ही सीमित रही। इसलिए वो न विकसित भारत के बारे में सोच सके, न आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लक्ष्य बना सके। इससे देश का कितना नुकसान होता है ये जानना भी जरूरी है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, 2014 से पहले के 10 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सिर्फ 12 लाख करोड़ रुपए बजट दिया गया था, जबकि हमारी सरकार ने 10 वर्षों में हमने 44 लाख रुपए का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया है। तभी तो आज देश में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। महाराष्ट्र में ही केंद्र सरकार करीब 8 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या तो पूरा कर चुकी है या उन पर काम चल रहा है।
यह राज्य हर सेक्टर में रोजगार के नए अवसरों को बढ़ा रही है। साथियों, हम आज देश के हर परिवार को बुनियादी सुविधाओं के सैचुरेशन यानी 100% कवरेज का मिशन लेकर चल रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने कोने में पहुंच रही है। मोदी की गारंटी वहां से शुरू होती है जहां दूसरों से उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। हमारी बहनों बेटियों ने तो सबसे अधिक अनुभव किया है। गांव या शहर, साफ सफाई से लेकर पढ़ाई, दवाई और कमाई, हर योजना सबसे अधिक लाभ हमारी माताओं बहनों को हुआ है। पीएम जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट के साथ दवाई दी जा रही है। मोदी की गारंटी गरीब परिवार की बहनों को पक्का घर देने की है। जिन्हें पहले किसी ने नहीं पूछा, उन्हें पहली बार मोदी ने पूछा है, उन्हें बैंकों से मदद दिलवाई है। पीएम स्वनिधि योजना से यहां मुंबई के भी हजारों रेहड़ी पटरी वाले भाई बहनों को फायदा हुआ है। हमारी सरकार महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी मदद दे रही है। बीते कुछ सालों में हमने बहनों को लखपति दीदियां बनाई है और अब मेरा संकल्प है आने वाले सालों में 2 करोड़, यह आंकड़ा सुनकर के कुछ लोग चौंक जाते हैं, 2 करोड़ महिलाओं को मैं लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य लेकर के चल रहा हूं। महाराष्ट्र के एनडी सरकार ने जो ये नया अभियान चलाया है, ये नारी सशक्तिकरण में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। महामंत्री मुख्यमंत्री महिला सक्षमीकरण अभियान और नारी शक्ति दूत अभियान से महिलाओं के विकास को नई गति मिलेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, डबल इंजन सरकार महाराष्ट्र के विकास के लिए ऐसे ही समर्पित भाव से काम करती रहेगी। महाराष्ट्र विकसित भारत का एक मजबूत स्तंभ बने, इसके लिए हम कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। एक बार फिर आप सभी को इस नए प्रोजेक्ट के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। माताओं बहनों को विशेष रूप से प्रणाम करता हूं, आपने इतनी बड़ी तादाद में आकर हमें आशीर्वाद दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका संबोधन सौगात के रूप में बरकरार रहेगा। मैं हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करती हूं। धन्यवाद।